दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपकी सर्टिफिकेट्स हो, या एनीथिंग जो कि पीडीएफ में आप बहुत ही ईजी तरीके से एडिट कर पाओगे। दोस्तों आज मैं पूरा एडिटिंग पर ही बात करने वाला हूँ, पीडीएफ एडिट। तो दोस्तों आपको करना क्या, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करनी है एडोबी एक्रोबेट, ठीक है। तो एडोबी का एक्रोबेट आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आपको यही डाउनलोड करना है, और एल्स आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करें ताकि आपको सारी फीचर्स वहाँ पे एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एडोबी एक्रोबेट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अब फाइल को सेलेक्ट करोगे कि कौन से फाइल को आप करना चाहते हो एडिट, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे पीडीएफ ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक मान लेता हूँ एक पीडीएफ है यहाँ पे। चलिए ये पीडीएफ आपको सामने में दिख रही है, राइट। ये पीडीएफ आपको सामने में दिख रही है। दोस्तों आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट को एडिट करूँ, बहुत लोगों का मानना रहता है कि उसको टेक्स्ट एडिट करनी है, जैसे ये पीडीएफ है। तो इसको टेक्स्ट में एडिट करने के लिए आपको पेंसिल जो मार्क दिख रही है उसमें टैप करनी है आपको। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रही है एडिट पीडीएफ फाइल एंड साइन। देखिए फिल एंड साइन क्या है दोस्तों, फिल एंड साइन के ऑप्शन में क्या होता है, अगर कोई पीडीएफ फॉर्म है तो आप उसको फिल कर पाओगे, तो इसलिए उस टाइम क्या करना है आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करनी है। अगर आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज करनी है पेज को, पोर्ट्रेट लैंडस्केप करनी है तो वहाँ कर सकते हो। तो जनरली अभी मैं जो बताने वाला हूँ एडिट पीडीएफ है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे जाएं, और एल्स मैं अभी सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एडिट पीडीएफ में आ गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि अबाउट यहाँ पे अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, किस तरह का एडिट टेक्स्ट है। तो एडिट टेक्स्ट में दोस्तों अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे अबाउट क्यूबीडीसी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अबाउट रियल ऑफिसर वन के कर दूँ, तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप एडिट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे मैं अबाउट यहाँ पे रियल ऑफिशियल देखिए, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आप ये गौर करें कि जो भी फॉन्ट है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट जो पहले फॉन्ट था वही मैच कर जा रहा है। अब यहाँ पे पूरा आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह का चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ईजीली आप एडिट कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे एडिट कर पा रहे हो। आप यहाँ चाहे तो और फॉन्ट का तरीका चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेव कर दें, जैसे सेव करेंगे दोस्तों यहाँ पे एडिट होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रियल ऑफिसर वन के हियर चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कलर भी आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया। आप यहाँ पे ये इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे और पिक्चर्स भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं अब दूसरा भी ऑप्शन आप लोग को दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे फिल एंड साइन वाले ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ कि फिल एंड साइन वाले में आप कोई सा भी गैप यहाँ पे फिल कर सकते हो अगर आप चाहो तो करना। तो आपको यही सिंपल सी करनी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी लफड़े नहीं है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं करनी है, बस सिंपली आपको जो करना है यहाँ पे इजीली आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो या पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो। टैप ऑन द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टैप करने के बाद ऐड फ्रॉम फोटो, तो ऐड फ्रॉम फोटो में यहाँ पे कोई पिक्चर भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए मैं पिक्चर भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैं पुट कर पा रहा हूँ, और मैं फोटो भी यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ। तो आई होप सो गाइस, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आपका हेल्प भी हो जाएगा, होप सो। और अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा ये एप्लीकेशन आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो। और अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो आपको तो सेकंड ऑप्शन पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मैं आप लोग को दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो एक मैं फॉर्म का भी एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकता हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आपको सेव करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान, आप जैसे कुछ भी एडिट कर ले रहे हो तो एडिट कर लेने के बाद यहाँ पे जैसे आप एडिट किए हो यहाँ पे इसको डन कर देनी है, ओके। और फिर आपको क्या करना है कि इसको सारा कुछ हो जाने के बाद दोस्तों एक्सपोर्ट कर देनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट पीडीएफ। अब जैसे एक्सपोर्ट करोगे तो किस में करना चाहते हो, डॉक में करना चाहते हो, कौन से फॉर्मेट में करना चाहते हैं, आप उसको फॉर्मेट्स में कर सकते हो। आपको यहाँ सेव करने का भी ऑप्शन दे रहा है तो वो भी आप सेव कर सकते हैं, यहाँ क्लाउड में भी आपको सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने क्लाउड में भी सेव कर लिया।
और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेव ए कॉपी, तो सेव ए कॉपी करना ऑन द डिवाइस आपको कर लेनी है। जैसे डिवाइस पे करोगे वो आपके डिवाइस पे सेव हो जाएगी और बहुत ही इसी तरीके से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो। गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।